नीति आयोग का रिपोर्ट हम लोगों ने भी पढ़ा है, उसमें SCQI जो कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें बिहार जो है सबसे फीसदी राज्य में आता है। लगभग जो सबसे अंतिम 5 राज्यों में है वो आते हैं। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो अंक जो बताया है 35.24, यानी मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि बिहार की स्कूली जो गुणवत्ता शिक्षा की जो होनी चाहिए वो बद से बदतर है। महोदय पूरक प्रश्न क्या है, पूरक प्रश्न वही पूछ रहे, तो क्या ये मानते हैं कि बिहार जो है अंतिम 5 राज्यों में है, सबसे फिसड्डी राज्यों में? दूसरा महोदय, ड्रॉप आउट रेट, अभी इन्होंने बोला कि काफी जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि बिहार का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है महोदय वो सबसे अधिक है पूरे देश में, क्या इनका जवाब देना चाहिए? और जो शिक्षकों की तीसरी महोदय, जो उन्होंने बोला कि पदों की जो स्वीकृति होगी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स की कमी हो, स्कूल में टीचरों की कमी हो, इसको प्रश्न के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण महोदय, बच्चों के भविष्य के साथ है, उसलिए गुणवत्ता सभी शिक्षा से जुड़ा हुआ। तीसरा सप्लीमेंट्री महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो स्कूल में जो शिक्षक नहीं है उसकी आप जो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से कम है महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी जानकारी दे दीजिए कि कितने स्थायी शिक्षक हैं और कितने पूरक होंगे। आपका 5 हो गया। अरे मंत्री जी को बोलने दीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं है।